मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली। राजस्थान में 2 सीटें मिली। बसपा को इस बार छत्तीसगढ़ में 2.09%, राजस्थान में 1.82%, मध्य प्रदेश में 3.32% और तेलंगाना में 1.38% वोट मिली, जो 2018 की तुलना में खराब प्रदर्शन है। बहुजन समाज पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में अपना खाता खोलने में विफल रही और राजस्थान में केवल 2 सीटें हासिल कर सकी, जिससे पार्टी अध्यक्ष प्रमुख मायावती की किंग मेकर के रूम में उभरने की रणनीति विफल हो गई। भले ही भारतीय जनता पार्टी भाजपा को बहुमत मिल गया हो 3 राज्यों में, जबकि कांग्रेस ने तेलंगाना में आसानी से जीत हासिल की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, अभी कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे हौसले को बढ़ाता है। तो दोस्तों, बहुजन समाज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए आप अपने बहुजन चैनल रियल टीवी इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए साथियों, आगे देखते हैं। दोस्तों, मैंने यह पहले भी बता दिया है कि बहुजन समाज पार्टी को इस बार छत्तीसगढ़ में 2.09%, राजस्थान में 1.82% और मध्य प्रदेश में 3.32% और तेलंगाना में 1.38% वोट मिली, जो कि 2018 की तुलना में खराब है। राजस्थान में सादुलपुर और बारी ही एकमात्र वोट थी। इस बार जो सीटें बसपा ने जीती, बहुजन समाज पार्टी को 2018 में राजस्थान में 4.03% वोट मिले थे और 6 विधानसभा सीटें मिली थी। पार्टी ने 5.01% वोट हासिल किए थे और 5 साल पहले मध्य प्रदेश में 2 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ में इसे 2018 में 3.87% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली थी। तेलंगाना में बसपा ने 106 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 2018 में अपना खाता खोलने में विफल रही, जबकि 2014 की विधानसभा चुनाव में इसे 2 सीटें मिली। जबकि राज्य में बीआरएस तब टीआरएस की लहर, बसपा, बहुजन समाज पार्टी जिसने इस साल अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, ने बाद में बीएसपी ने बाद में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी यानी कि जीजीपी के साथ गठबंधन किया। इन अटकलों को खारिज करते हुए कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन INDIE इंडिया या भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA में शामिल हो सकती है। मायावती ने दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक गुटों से समान दूरी बनाए रखी। पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और अभियान का नेतृत्व करने वाले मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा, बहुजन समाज पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 3रे मोर्चे के रूप में उभरेगी। मायावती ने राष्ट्रीय राजनीति में आकाश की लॉन्च पैड की साथ पार्टी कैडर को यह संदेश देने के लिए 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव अभियान की योजना बनाई थी कि वह इनके राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान बहुजन समाज पार्टी नेताओं ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने वाली आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोला था। चुनाव से पहले मायावती ने दल बदल को रोकने के लिए अपनी चुनावी रणनीति में संशोधन किया, जिसने इन 4 राज्यों में अपना आधार बढ़ाने की बहुजन समाज पार्टी की योजना को रोक दिया था। इन्होंने घोषणा की कि इनकी पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के बाद शक्ति संतुलन के रूप में उभरने के लिए सरकार में शामिल होने पर विचार करेगी। बीएसपी ने तेलंगाना के लिए अपना विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें युवाओं को नौकरी, गरीब लोगों को जमीन, बेघरों को घर, महिलाओं को नौकरियों में आरक्षण के साथ साथ महिलाओं के बीच मुफ्त वॉशिंग मशीन और स्मार्टफोन वितरित करने का वादा किया था। दोस्तों, मामा जी की लाज MP में लाडली बहना योजना और लाडली बहनाओं ने इनकी लाज राखी है। इस कारण आज मामा जी का नाम बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश में और इनकी सरकार मध्य प्रदेश में बन भी चुकी है। बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में राजस्थान और मध्य प्रदेश में 8-8 और छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में 2-2 रैलियों को संबोधित किया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर जरूर बताएं, क्योंकि साथियों, आप मनोरंजन वाले चैनलों को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप बहुजन मीडिया को सपोर्ट क्यों नहीं करते? प्लीज
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि बहुजन समाज की आवाज हमेशा बुलंद रहे। तो साथियों नमस्कार, मिलते हैं न्यू वीडियो में। और दोस्तों अगर आप चैनल की आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर पर आप हमें आर्थिक मदद जरूर करें। तो साथियों नमस्कार।